हाँ मेरे किसान भाइयों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपके पानी का खर्च होने वाला है बिल्कुल फ्री, अगर आप अपने खेतों में लगवाते हैं ये वाला पंप। नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह और आज हम बात करेंगे टाटा सोलर पंप के बारे में कि कैसे आप अपने खेतों में ये सोलर पंप लगवा सकते हैं, कितनी सब्सिडी मिलनी है आपको, कब लगवा सकते हैं, कैसा प्रोसेस है, कब ऑनलाइन कर सकते हैं, क्या मेंटेनेंस है इसका, कितना खर्च आएगा, कितने टाइम ये चलेगा। तो आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे अपने टाटा सोलर पंप के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे सोलर पंप की फिटिंग और वर्किंग के बारे में, कैसे ये काम करता है और कैसे ये फिट हुआ है। तो टोटल हमारे पास 18 प्लेटें हैं, तो 9 प्लेटें ये हैं और 9 प्लेटें वो है, और एक प्लेट जो है ये पैदा करती है 530 वाट। तो ये टोटल हमारे पास 18 प्लेटें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे डीसी जो करंट आता है इन प्लेटों से वो एसी में कन्वर्ट होके कैसे हमारी वो मोटर चलाता है, और हम ये भी बताएंगे कि हम इन प्लेटों के ऊपर कितने एचपी की मोटर चला रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसका मैकेनिज्म, यानी कि इसका स्टार्टर यानी पैनल जो है उसके बारे में बताते हैं और कैसे वर्क करते हैं। आओ अंदर देखते हैं। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बॉक्स, ये है हमारे सोलर पंप का कंट्रोल यूनिट यानी कि कंट्रोलर। तो इसके बारे में बात करते हैं, जो ये नॉब लगा है, ये जो नॉब है ये ऑन ऑफ का बटन है। इसका आप लाइव डेमो भी हम दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहो आप। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी फिटिंग की, कैसे ये डीसी करंट इसमें आता है फिर ये एसी होके हमारी मोटर पे जाता है। तो सबसे पहले दिखाते हैं ऊपर कि जो आप ये केबल देख रहे हैं, तो ये एक प्लेट सोलर प्लेट ये दूसरे प्लेट से कनेक्ट है, दूसरी तीसरी से कनेक्ट है, ऐसी पूरा इंटरकनेक्ट है आपस में। इसके बाद ये सारी तारें, पास में आके दिखाओ, सारी तारें आके ऊपर से ये आई हैं, और ये नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये प्लेटों का जो कनेक्शन है, दो तार आई हैं, ये डीसी करंट गया है, और ये जो इधर से ये तार आई, ये केबल जो गई है ये एसी करंट है, और ये डायरेक्ट सीधे हमारे मोटर पे गई हुई है। ये जो मैकेनिज्म इन प्लेटों में यूज हुआ है इंटर कनेक्शन का, बिल्कुल सेम प्रोसेस वो हमारे जो दूसरा पैनल का जो यूनिट बना है वहां पे, और वो जो पूरा पाइपलाइन है, पाइपलाइन के थ्रू ये नीचे नीचे केबल आके और ये हमारे कंट्रोल यूनिट में आती है। तो दोनों प्लेटों का पावर इस कंट्रोल यूनिट में आता है, और फिर यहाँ से पावर हमें 10 एचपी की मोटर पे जाता है। और हम आपको बता दें कि जो हमारा ये पूरा ये सोलर सिस्टम का ये पूरा यूनिट है, तो इस यूनिट पे हम अपनी 10 एचपी की मोटर चलाते हैं। और हम आपको बता दें कि किन किसानों को कितने एचपी का, मतलब कि यह पंप अलॉट होता है। अगर आपके पास एक एकड़ है या दो एकड़ है, तो आपको 3 एचपी की मोटर सरकार अलॉट करेगी। 3 से 5 है तो फिर आपको मतलब 5 एचपी की मोटर का पंप आपको अलॉट हो जाएगा। अगर 5 एकड़ से ज्यादा है तो आपको 10 एचपी, 7.5 एचपी तक का पंप मिल सकता है। और इन सब के जो ये पूरा प्रक्रिया है ये ऑनलाइन होता है, तो आप इसको जो इसकी ऑनलाइन की वेबसाइट है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हर स्टेट का अलग अलग सब्सिडी सिस्टम है कि किस स्टेट में कितनी सब्सिडी है, ये समय के साथ बदलती रहती है, और एक इनका फिक्स रहता है कि इतने पंप ही एक स्टेट में दिए जा सकते हैं। तो इन सब की जानकारी आपको आपके नजदीकी जो ब्लॉक हो उसमें पता चल जाएगा, या आपके जो जिले का विकास भवन हो वहां पे आपको इन सब चीजों की जानकारी होगी। जाके जानकारी करें कि साइट खुली हुई है कि बंद है, वहां जाके अप्लाई करें। इसके बाद आपका ये टोटल पूरा ऑनलाइन होता है, इसका सिस्टम पूरा ये ऑनलाइन आपको अलॉट होगा। इसके बाद आपको पैसे जमा करने पड़ते हैं, जो पैसे जमा करने होते हैं वो सब्सिडी कार्ड ही जमा होने थे। तो ये जो हमारा 10 एचपी का जो ये पूरा ये हमारा सिस्टम है, तो ये इसके लिए हमने जमा करे थे 2,49,000 रुपए, ये सब्सिडी कार्ड के होता है। अगर कंपेयर करें हम इलेक्ट्रिक वाले से, तो इलेक्ट्रिक का एक 10 एचपी का पंप कराने में लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए खर्च हो जाता है। तो और ये हमारा लगभग एक साल का अगर मोटा मोटा जोड़ ले तो 40 से 45 हज़ार रुपये बिजली का बिल आता है। तो ये आप देख लें कि आपका 2 से 3-4 साल में जो पैसा है कवर हो जाएगा, और आपका ये ट्यूबवेल बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और इन 4-5 सालों में, या जब तक ये पंप रहेगा तब तक आपको 1 रुपये भी बिजली का बिल नहीं देना है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता होगा कि ना कि 2,49,000 रुपये जमा करने के बाद भी हमें रुपए देने होते हैं मोटर खरीदने पड़ जाएगी, तो ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि आप अगर 2,49,000 रुपये जमा कर देते हैं, इसके बाद आपको कुछ 1 रुपये भी नहीं देना है। ना आपको तार लाना है, ना केबल लानी है, ना आपको पाइप लाने हैं, ना मोटर लानी है, ना आपको सोलर प्लेट लानी है। 2,49,000 रुपये जमा करने के बाद आपके पास ऑप्शन, वो जो फॉर्म भरते हैं उसमें ऑप्शन होता है कि आप किस कंपनी का लगाना चाहते हैं। तो जिस कंपनी को आप सिलेक्ट करेंगे, तो वो पूरा 2,49,000 रुपये में मोटर, प्लेट, पैनल सब कुछ होता है, यहाँ तक कि फिटिंग तक का होता है। मतलब कि वो 2,49,000 रुपये में आपको पानी निकाल के देंगे, वो पूरा इनका प्रोसेस रहता है। आप बहुत लोगों की कमेंट आएंगे
कि ये तो आंधी आएगा तो उड़ जाएंगे, बरसात में इसमें जंग लग जाएगी, तो आपको बता दें कि जो ये पाइप इसमें यूज हुए ना, ये जीआई पाइप यूज हुआ, इसमें जीआई पाइप में जंग नहीं लगती है। दूसरी बात, ये तीन फुट नीचे जमीन में गड़ा हुआ है कंक्रीट के साथ, और ये काफी, इसके बाद ये 4-5 पाए लगे हुए हैं और इतने कस के नटों से कसा हुआ है कि इसका आंधी और तूफान कुछ नहीं कर सकते हैं और ना इसमें जंग लगेगी। बस आपको इसके मेंटेनेंस में आपको क्या करना है कि आपको समय के साथ साथ आपको इसको प्लेटों को साफ करना है, क्योंकि धूल मिट्टी की वजह से इसमें परत जम जाती है, तो अगर धूप कम पड़ेगी इस पे तो वो पावर कम जनरेट कर पाएगा। तो बस समय समय के हिसाब से आपको इसको साफ करना है, बाकी इसमें कोई मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस के साथ आपको फ्री पानी, यानी कि पानी का खर्च बिल्कुल नहीं लगेगा आपका। तो खेती किसानी या आप किसानी करते हैं तो उसमें आपका एक बहुत मोटा खर्च जो पानी का होता है वो आपका बिल्कुल बच जाएगा। तो ना अभी समय हो रहा है 2:50 और हमारी जो पाइपलाइन है वो हमारे खेतों में पड़ी हुई है, तो अभी हम उसका लाइव डेमो दिखाएंगे, यहाँ से चालू करेंगे और वहां पे अपने ट्यूबवेल के खेतों पे चलेंगे, वहां देखेंगे कितनी प्रेशर से पानी आ रहा है। तो हम अपनी मोटर को चला रहे हैं, तो ये नीचे ऑफ है, ऊपर कर दिया, ऑन हो गया। अब हम चलते सीधे अपने उस पंप के ऊपर। तो वो आप देख रहे हैं ना, वो पैनल लगे हुए हैं, सोलर पैनल, वो हमारा ट्यूबवेल है और ये हमारा जो पानी वहां से जो पाइपलाइन आई है और ये हमारा पानी चल रहा है। सरसों के खेतों में भी पानी लग रहा है, तो अभी हम घुसे हुए हैं इसी के अंदर, तो ये बोरा बांध रखा ताकि ज़्यादा गड्ढा ना हो। तो ये हमारा पानी चल रहा है और अभी समय हुआ है 2:50 और बस इसमें क्या है, सर्दियों के टाइम में जब धुंध पड़ती है तभी थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी सारे टाइम में तो बहुत ही बढ़िया है। गर्मी के समय में जब चैत का सीजन आता है तब तो ये इलेक्ट्रिक जो बिजली वाले पंप है उनसे ज़्यादा पानी देता है, क्योंकि उसमें गर्मी और धूप बहुत तेज होती है। आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ इस सोलर पंप में जो कंपनी देती है। ये आप ये सोच रहे हैं क्या लगा, ये सोच रहे होंगे फालतू में लगा, पता है क्या, ये है एल्युमिनियम की एक रॉड है ये ऊपर, ताकि कभी भी भविष्य में बिजली गिरती है अगर इन प्लेटों के ऊपर तो इसके थ्रू जाके सीधे ग्राउंड में चली जाएगी, तो आपके सोलर जो ये यूनिट है इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो इस कंपनी ने साथ में दी है, ये इस रॉड सी दे रखते हैं एंटीना टाइप का, ताकि इसके थ्रू पूरी नीचे न्यूट्रलाइज हो जाए। तो आशा करता हूँ आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इसी तरीके के वीडियो देखने हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, और हो सके तो शेयर कर देना। नमस्कार।